हमारे यहाँ फर्नीचर पलंग सिंगारदान सोफा सेट अलमारी डाइनिंग टेबल फ्रिज कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोपराइटर मौलाना शबीर साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टेगिरी रोड, कामठा, नांदेड़। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए नजर डालते आज के नांदेड़ कोरोना अपडेट की तरफ। ज़िले और शहर नांदेड़ में कोरोना वायरस नामी वबा कम होने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि ज़िला इंतजामिया की जानिब से कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। 4 अप्रैल तक ज़िले को लॉक कर दिया गया है। सिविल सर्जन नांदेड़ ने कोरोना का अपडेट जारी किया, जिसमें कहा गया है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान ज़िले में 4,299 नमूनों की जाँच की गई, जिसमें 1,310 पॉजिटिव मरीज पाए गए। पॉजिटिव पाए गए मरीजों में से 810 पॉजिटिव शहर नांदेड़ से ताल्लुक रखते हैं। 18 मरने वालों में लोहा तालुक़े के 3, हदगाँव तालुक़े के 2 और भोकर तालुक़े का 1 पॉजिटिव मरीज है, जबकि बाकी 12 मरने वालों का ताल्लुक शहर नांदेड़ से है। इससे यह पता चलता है कि शहर नांदेड़ में कोरोना का फैलाव ज़्यादा हो रहा है। शहर नांदेड़ के अलावा किनवट, लोहा, हदगाँव और खंदार तालुक़े में कोरोना का फैलाव ज़्यादा है। 110 की हालत इंतहाई नाजुक बतलाई जा रही है। आज 24 घंटों के दौरान 755 मरीज सेहतियाब होकर मगानात को लौट चुके हैं। ज़िले में कोरोना पॉजिटिव का फीसद 62 से ज़्यादा हो चुका है। जांच के दौरान हर 4 नमूनों में 1 नमूना पॉजिटिव पाया जा रहा है, जबकि कोरोना से मरने वालों का फीसद 71 से ज़्यादा हो चुका है। माहित है कि जिले में मागच्या काही दिवसांपासून कोरोनाचे केसेस वाढत आहे आणि ते 3 डिजिट मध्ये आता आपल्याकडे केसेस येत आहे आणि दुसरे सीरियस जे पेशंट होते हैं त्यांचे पण थोडं प्रमाण वाढलेलं आहे। त्याच्या अनुषंगाने आपण जो लॉकडाऊन आपण लावलेला आहे त्याचं थोड्या प्रमाणामध्ये आपल्याला या केसेसच्या याच्यावर आपल्याला परिणाम दिसत आहे। त्याच्या अनुषंगाने काही, परंतु जेव्हा आम्ही प्रायव्हेट हॉस्पिटल्स, गव्हर्नमेंट हॉस्पिटल्स आणि ग्राउंडमध्ये आमच्या मेडिकल स्टाफ सोबत आपण चर्चा केली तर काही बाब आमच्या लक्षात आले। त्या मला आपल्याला हे सांगायचं आहे की मोठ्या प्रमाणामध्ये लोक RT-PCR किंवा अँटीजेन टेस्टिंग पॉझिटिव्ह आल्यावर त्यांना जरी सिम्पटम्स काही नसेल, ताप आणि अंग दुखी व्यतिरिक्त कसले पण सिम्पटम नसताना सुद्धा ते लोक फिजिशियनकडून त्यांना प्रेशराईज करून त्यांना प्रिस्क्रिप्शन घेऊन रेडिओलॉजिस्टकडे जाऊन CT स्कॅन करत आहे। अत्यंत सिरियस बाब आहे, त्याच्यामुळे जे खरंच गरजू लोक आहे त्यांना CT स्कॅनची गरज आहे। अशा लोकांना डिले होत आहे आणि अननेसेसरी CT स्कॅन करून जे असिम्प्टॉमॅटिक लोक आहे त्यांना अननेसेसरी रेडिओलॉजीचा एक्सपोजर त्यांना होत आहे। अतिशय ते गंभीर बाब आहे। आम्हाला हे लक्षात येत आहे की लोक तो कोरोनाची जे सिम्पटम्स आहेत ते आपल्या अंगावरच काढत आहे की मला काही होत नाही, मला टायफॉइडच झाला आहे, मला हे थंड खाल्ल्यानेच झालं, मला थंड पिल्यानेच झालं, मला हे कोल्ड ड्रिंक पिल्याने झालं, हे करून ते आप 70-80 तेव्हा ते हॉस्पिटलमध्ये येत आहे। त्याच्यामुळे आपल्या डेटसुद्धा काही दिवसापासून थोड्या ज्या धर्तीवर आपण ग्रामीण भागामध्ये होम आयसोलेशन बंद केलेलं आहे त्याच धर्तीवर ऑलरेडी महानगरपालिकेने ते प्रेस नोट काढलेली आहे की उद्यापासून, उद्या आपलं धुलीवंदन आहे त्यामुळे उद्यापासून आपण पुढील जे लोक पॉझिटिव्ह येईल सिम्प्टोमॅटिक राहू की सिम्प्टोमॅटिक राहू त्यांना आपण NRI आणि पंजाब भवन आणि तसेच महसूल भवनमध्ये आपण होम क्वारंटाईन करणार आहोत। कारण कालच आमची सगळ्यांची रेडिओलॉजिकल असोसिएशनची IMAची आम्ही बैठक घेतल्यावर आम्ही हे ठरवलं की आपण जनतेशी बोलावं, कारण जनतेमध्ये ते पॅनिक जे झालेलं आहे ते अननेसेसरी पॅनिक आपण जे करत आहोत त्याच्यामुळे जे गरजू लोक आहेत त्यांना CT स्कॅन त्यांचा होत नाही आणि त्यांना मग बेड मिळत नाही। तर यामुळे आम्ही एक क्लिअर कट आपलं परिपत्रक आम्ही काढलेलं आहे कलेक्टर ऑफिसकडून आणि डिझास्टर सेलकडून की कोणत्याही रेडिओलॉजिस्टनी प्रिस्क्रिप्शन व्हॅलिड फिजिशियनच्या प्रिस्क्रिप्शनशिवाय त्यांचं CT स्कॅन करू नये। जर असं आढळलं तर आम्ही त्या रेडिओलॉजिस्टच्या त्या इन्स्टिट्यूशनवर आम्ही त्यांच्यावर कारवाई। माझी हेच विनंती आहे की सगळ्यांना येते नेक्स्ट 8 ते 10 दिवस फार चॅलेंजिंग आहे। आता जे लॉकडाऊन आपण केलं त्याचं असर आपल्याला पुढच्या 4-5 दिवसांमध्ये दिसणार आहे, कारण आता मोठ्या प्रमाणात लोक आपल्या आपल्या घरी आहे त्यामुळे पुढच्या 1 हफ्त्यामध्ये केसेस थोडे कमी होऊन सिव्हिअरिटी पण कमी होईल। या पुढचे जे 8-10 दिवसात आहे हे फार चॅलेंजिंग आहे प्रशासनाकरिता पण आणि आपल्या नागरिकांसाठी पण। त्यामुळे जर आपण आणि आम्ही दोघंही मिळून या कोरोनाला आपण येत्या काळामध्ये टक्कर देऊ आणि जे आज आम्ही जी माहिती दिली जे आम्ही इन्स्टिट्यूशनल क्वारंटाईनचं जे नवीन धोरण आता आणलेलं आहे त्याला सहकार्य करा। सत्तावीस मार्च को औरंगाबाद में 24 घंटों के दौरान 1715 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं और 28 की मौत।
मोटरसाइकिल चोरी आदि मुलजिम पड़े गांव से गिरफ्तार, कुएं में डाली गई बुलेट और हुंडा मोटरसाइकिल बरामद। औरंगाबाद में पेट्रोल के लिए रास्ता रोको, एक पेट्रोल पंप सील। सत्ताईस मार्च को बुलढाणा में 24 घंटों के दौरान 1130 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। जालना में चोरी की वारदात में शामिल चार मुलजिम गिरफ्तार, जालना एलसीबी की कार्रवाई, चोरी की एशिया बरामद। धुलिया के दही इलाकों में मवेशियों की चोरी, धुलिया जिले के कई देहातों में लोग रात जागकर गुजार रहे और हाथों में लाठियां लेकर गांव और आसपास के इलाकों में मवेशी चोरों की तलाश करते फिर रहे। गुज़श्ता चंद दिनों से खेतों के अलावा किसानों के घर के अहातों में बंधे हुए बैल, गाय, बछड़े और भैंस की चोरी हो रही है। पुलिस थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई गई, लेकिन पुलिस मवेशियों चोरों का पता लगाने में नाकाम रही। धुलिया शहर में जो आवारा मवेशी सड़कों पर घूमते हैं, रात के वक़्त और दिन में भी मवेशी चोर इन्हें हाँकते हुए ले जाते हैं और मवेशियों के बहुत सस्ते दामों में कसाबों को फरोख किए जाने की इत्तला मिली है, लेकिन चोरों की ये टोली अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगी है। जलगांव में महावितरण के सुप्रिंटेंडेंट को कैद करने वाला एमएलए पकड़ा गया। मुंबई में बार पर छापा, 44 डांसर लड़के हवालात में। सत्ताईस मार्च को नागपुर में 24 घंटों के दौरान 3788 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं और 54 की मौत। औरंगाबाद में गैर कानूनी मोबाइल टावर की तामीर रोकी, सामान जब्त। बीड़ में दूसरे दिन भी लॉकडाउन पर सख्ती से अमलावारी, बिला वजह घूमने वालों को पुलिस ने की घर पर रहने की गुजारिश। जिले जलगांव में आज से 3 दिन का लॉकडाउन। पिंपरी और चिंचोड़ में हिंदुस्तान की इंग्लैंड क्रिकेट मैच के दौरान सट्टेबाजी, 33 बुकी गिरफ्तार। स्टेडियम के नज़द ऊंचे टावर और पहाड़ों से दूर बैन की मदद से मैच देखकर सट्टेबाजी का इल्ज़ाम, मुजमिन की तहवील से 45 लाख रुपए का सामान जब्त। मुंबई में तार के गोदाम में आग, पूरा गोदाम जलकर खाक, करोड़ों का नुकसान। सिल्लोड़ में अचानक पेट्रोल पंप बंद के फैसले से गाड़ी मालकान को परेशानी का सामना, शनिचर और इतवार को जरूरी खिदमात को छोड़कर किसी भी फर्द को पेट्रोल फराहम करने की मनाही। पुणे के फैशन स्टेट में जबरदस्त आग, फायर ऑफिसर की मौत। आज से मुंबई में नाइट कर्फ्यू, 15 अप्रैल तक होटल, क्लब, पब सब बंद। खिलाफ वर्जी करने वालों पर 1,000 रुपये जुर्माना। शादी में 50 अफराद और जनाजे में 20 अफराद को शिरकत की इजाज़त। नांदेड़ में लॉकडाउन में बिला वजह घूमने वालों पर पुलिस की कार्रवाई। अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान खान। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए देखते रहिए नांदेड़ उर्दू न्यूज़।
और न्यूज़ के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।